कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक साल से जारी कोरोना संकट की वजह से दुनिया के कई देशों में महिलाओं पर इसका काफी असर पड़ा है। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 सालों में कोरोना वायरस की वजह से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव की वजह से चाइल्ड मैरिजेस की संख्या में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है, यानी पहले की तुलना में 1 करोड़ ज्यादा बाल विवाह हुए हैं। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि पेंडेमिक में चाइल्ड मैरिजेस बढ़ने के क्या कारण हैं, बाल विवाह रोकने को लेकर अभी तक कौन कौन से कानून देश में बन चुके हैं, बढ़ते चाइल्ड मैरिजेस को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, और ये भी बताएंगे कि सरकार से लोगों को क्या उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। दुनिया भर की बात करें तो हर साल लगभग 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, जिसका मतलब है हर मिनट 23 लड़कियां और हर 3 सेकंड में एक लड़की की शादी कम उम्र में हो रही है। चाइल्ड लाइन इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 मार्च से जून के बीच लगभग 5,214 बाल विवाह की घटनाएं सामने आई हैं। आंकड़े कहते हैं कि साल 1970 में लगभग 75% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती थी, जो कि अभी 27% है। भारत में आज भी 15 साल से कम उम्र वाली शादियों की दर 7% है। गौर करने की बात है कि चाइल्ड मैरिजेस का चलन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक 4% लड़कों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। चाइल्ड लाइन के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन में ढील देने के बाद बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जून और जुलाई 2019 के मुकाबले जून और जुलाई 2020 में 17% ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि वो ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले जनवरी और फरवरी में भी 2019 के मुकाबले मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई। तेलंगाना में पिछले एक साल में चाइल्ड मैरिजेस 27% बढ़ी है। वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 से मार्च 2020 तक 977 बाल विवाह रोके गए हैं। वहीं सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि पिछले 25 सालों में उन्होंने 7,86,00,000 बच्चों का बाल विवाह होने से रोका है, लेकिन पैंडेमिक ने बदलाव के इस प्रोसेस को एक साल के अंदर 20 साल पीछे ढकेल दिया और फिर से इस जगह आने में और 10 साल लगेंगे। लॉकडाउन के दौरान क्यों बढ़ा बाल विवाह? दुनिया भर में चाइल्ड मैरिज के मामलों के कंपैरिजन में भारत में ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। यूनिसेफ ने एस्टिमेशन दिया कि भारत में हर साल 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी होती है। लॉकडाउन में चाइल्ड मैरिजेस होने के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है परिवार का आर्थिक तौर पर कमजोर होना। लॉकडाउन ने मजदूरों की बड़ी संख्या को अपने घर की ओर पलायन करने पर मजबूर किया और इस मजबूरी का खामियाजा बच्चों और महिलाओं को उठाना पड़ा। वैसे तो गरीबी बाल विवाह की मुख्य वजहों में से एक है, लेकिन अब जब सारे काम धंधे ठप पड़े थे तो बाल मजदूरी और बाल विवाह की तादाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। एक कारण ये भी है कि पेंडेमिक के दौरान स्कूल बंद है। ज्यादातर पिछड़े इलाकों के बच्चे मिड डे मील के खाने के लिए ही स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने का भी अभाव होता है। यहाँ तक कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा है कि स्कूल न जाने की वजह से बाल विवाह और बाल श्रम जैसे मामले बढ़े हैं। बाल विवाह को लेकर कानून क्या है? केंद्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को हटाकर उसकी जगह 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाने का काम किया। इस एक्ट में कड़े नियम बनाए गए। इस एक्ट के अनुसार 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह बताया गया है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती हैं। हाल फिलहाल के वर्षों की बात की जाए तो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की दिशा में काफी काम भी किया गया है। फिलहाल देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके मुताबिक लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18 साल से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल या 1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस एक्ट के तहत सरकार ऑफिसर्स नियुक्त करती है जिनका काम होता है चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना, साथ ही कहीं ऐसी शादी होने की जानकारी मिले तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। कैसे रोके बाल विवाह? जिस तरह से गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं समाज के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस दिशा में सरकार को भी गंभीरता से काम करना होगा। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अच्छा स्वास्थ्य किसी भी मजबूत लोकतंत्र का आधार है। सरकार को चाहिए कि वो गरीबों के बीच बाल विवाह को लेकर ज्यादा जागरूकता लाने के उपाय करे। जन जागरूकता से ही इस सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सकता है।
आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नो दिस।